स्मोग ने शहर के अफक पर सफेदी की चादर तंदी, भारतीय जहरीली स्मोग से शहर को लपेट में ले लिया, फिजा धुंधला गई। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, शरा 586 रिकॉर्ड, दर्जा हरारत 26 डिग्री पर आ गया। फिजाई आलूगी पर काबू न पाने पर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी माहौलियात समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। वजीर सेहत खौसा इमरान नसीर का लिबर्टी मार्केट का दौरा, बोले स्मोग इंसान की उम्र 4 बरस तक कम कर देती है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, शहर भर के सरकारी और नीम सरकारी तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद, बड़ी क्लासेस बंद ना किए जाने पर तुलबा परेशान, एजुकेशन अथॉरिटी का छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान, क्लासेस के लिए इंतजामात ना होने के बराबर, स्मॉग के तदारुक के लिए मुहिम नाकारा, 4 माह गुजर गए लेकिन स्कूलों में मियावाकी जंगल नहीं लगाए जा सके, स्कूल सरबराहान को छुट्टियों में मियावाकी जंगल लगाने की हिदायत। स्मॉग के बाद लाहौरी बेफिक्र, शहरियों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी, हुकूमती अहकाम के बावजूद शहरियों ने मास्क नहीं लगाए, मार्केट्स फूड पॉइंट्स पर शहरी बगैर मास्क घूमने लगे, बरकत मार्केट इचरा मार्केट समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों की बेएहतियाती जारी। स्मॉग के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला, एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मॉग से मुतासर, पंजाब में नाक और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट, आंखों की बीमारी भी फैलने लगी, स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों की शराह में इजाफा, ओपीडी में मरीजों का रश बढ़ गया। पंजाब में 9 नवंबर को यौम इकबाल पर आम तातील होगी, सरकारी और निजी तमाम इदारे और दफातर बंद रहेंगे, विफाकी हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, महकमा SNGAD ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। ख्याबान फिरदौसी के सेवरेज तब्दीली मंसूबे पर एतराजात, PND हुकाम की मंसूबे के छोटे पार्ट्स में तब्दीली की तजवीज़, कमेटी ने ख्याबान फिरदौसी पर 2 मरतबा मौके पर मुआयना किया, तसली ना हुई तो वासा को एतराजात पर मबनी सवाल नामा भिजवा दिया, LDA वासा हुकाम का मंसूबा 1 मरतबा ही तब्दील करने पर जोर, मामले पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने वासा के प्रपोजल की तायद की, वासा ख्याबान फिरदौसी के फंड को तरजीह दिलवाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में हिकमत अमली का फुकदान या वसाइल की कमी, दर्जनों रेस्टोरेंट्स अथॉरिटी की नजरों से ओझल, मौसम मॉनिटरिंग ना होने से कई रेस्टोरेंट्स को तहाल रजिस्टर नहीं किया जा सका, इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब का अमल भी मुमकिन नहीं बनाया गया, रसीद का इजरा यकीनी बनाने का अमल भी बातों तक महदूद। सरकारी अस्पतालों में कच्चे डॉक्टर्स रखे जाएंगे, महकमा प्राइमरी हेल्थ ने समरी इरसाल कर दी, डेली वेजेस डॉक्टर रखने के लिए 60 करोड़ मांग लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भर्ती होंगे। एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी बनेगी अथॉरिटी, करिकुलम और टेक्स्ट बुक की तरक्की के लिए लाए अमल बनाएगी, असातिज़ा की ट्रेनिंग का बंदोबस्त, मॉनिटरिंग और इवेलुएशन भी करेगी, बिल महकमा कानून को अरसाल, महकमा कानून के बाद अथॉरिटी एक्ट को असेंबली में भेजने का फैसला किया जाएगा। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का ताखीर से दफ्तर आने पर नोटिस, दफ्तर आने वालों को गैर हाजिर मार्क करने की हिदायत, कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने वक्त पर दफ्तर पहुंचने की हिदायत की, सुबह 9 से 5 बजे तक तमाम अफसरान और मुलाजमीन को दफातर में मौजूद रहने का हुक्म। गुलशने पार्क की मुतादिद गलियों में लटकते तार वबाले जान, घरों दुकानों से गुजरते तारों के गुच्छे शॉर्ट सर्किट का बायस बनने लगे, पुल पर बिजली के मीटर और तारों के गुच्छे मौजूद, मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। गढ़ीशाहू बाजा लाइन गलियों की तामीर का नामुकम्मल मंसूबा, वबाले जान बन गया, इलाका मकीनों की आमदरफ्त मुतासर, गलियों में नौकीले पत्थरों की भरमार, राहगीर जख्मी होने लगे, 3 माह कबल शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना होने पर मकीन इंतजामी इदारों पर बरहम, बच्चे को बाप की तहवील से लेकर मां के हवाले करने का मामला, हाईकोर्ट ने हुक्म अदूली, बच्चा छीनने पर बच्चे के बाप को जेल भेज दिया, गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शोकॉज नोटिस 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने 3 साल का बच्चा दोबारा माँ के हवाले कर दिया। PP 139 में ज़िमनी इंतखाब का मामला, इलेक्शन एपिलेट ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया, आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अब्दुल रऊफ की अपील मंजूर, ट्राइब्यूनल ने इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी।
चिन्यूट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस साबिक स्पीकर सिप्टेन खान और टीकर के खिलाफ रेफरेंस में पेशर, एंटी करप्शन अदालत में बाकायदा समाअत। सिप्टेन खान ने अदालत में हाजिरी लगवाई, जज इकबाल डोगर ने समाअत कुछ देर के लिए मुअख्खर कर दी। DGLDA और डायरेक्टर हाउसिंग टाउनशिप के दोबारा वारंट गिरफ्तारी, दोनों की तनख्वाहें बीता हक में सानी बंद कर दी। अदालती हुक्म की तामील न करने पर सिविल जज मॉडल टाउन शबीर हुसैन मोहल ने वारंट जारी किए। अदालत ने अख्तर महबूब के हक में डिग्री जारी की। वज़ीर सनअत शाफ़ी हुसैन से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात, सेहत, टेक्निकल एजुकेशन, ज़राअत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी बारे इत्तेफाक। चीनी सरमायाकारों का इलेक्ट्रिक कार का असेंबलिंग प्लांट लगाने में इजहार दिलचस्पी। चौधरी शाफ़ी हुसैन सुंदस फाउंडेशन गए, मरीज बच्चों से मुलाकात की। पंजाब में अस्पतालों की रिवैम्पिंग तेजी से जारी है। वज़ीर मवासिलात मलिक सोहेब अहमद भट्ट का सर्विसेज होम न्यू अस्पताल का दौरा, तमीराती काम की क्वालिटी का जायजा लिया। रिवैम्पिंग का काम 95% मुकम्मल, तामीरशुदा इमारत में टीचिंग और सफाई का काम आखिरी मराहल में दाखिल। सीनियर लीग रहनुमा हाफिज मोहम्मद अमान की अवामी खुली कचहरी, इनेकाद मरकजी दफ्तर N-131 मुल्तान रोड में किया गया। साली ने इचरा, सब्जाजार, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों के मसाइल बताए। हाफिज नुमान ने जल्द हल्के के तमाम तर मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की 8 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का फैसला, उस्मान मलिक कन्वीनियर होंगे, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मेंबरान में डॉक्टर खयाम हफीज, फायसा मलिक, उमर शरीफ बुखारी आदि के शामिल। कमेटी यौम तासीस, पार्टी परचम लहराओ मुहिम समेत दीगर अहम उमूर की निगरानी करेगी। और पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन के वफ़द की लाहौर चैम्बर आमद, सदर लाहौर चैम्बर मियां बुजरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान से मुलाकात। मियां जो निसार मियां अली मोहम्मद अली मियां भी शरीक थे। PPPA अलायंस ने मुखालिफ अलायंस को तारीखी शिकस्त दी, रिकाउंटिंग पर उनकी दोबारा शिकस्त की ख्वाहिश पूरी कर देंगे। गैर मुल्की मेहमानों की अंदरून दहली गेट आमद, वफ्द शाही हमाम, मस्जिद वजीर खान समेत दीगर तारीखी इमारतों का दौरा किया। गैर मुल्की मेहमानों ने अंदरून दहली गेट में तस्वीर बनवाई, चांद गाड़ी की सैर भी की। UMT में आयरलैंड एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, नामवर आयरिश यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इवेंट में OCLP कुरतुलैन बाबर, सुमैरा अफजल, सिद्रा ताहिर भी शरीक। डबलिन बिजनेस स्कूल समेत दीगर यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट, ऐसे स्कूल और दारे अरकम की टीमें आमने सामने, ऐसे स्कूल ने एक विकेट के नुकसान पर 30 रन बनाए। और लाहौर बोर्ड फुटबॉल टूर्नामेंट, पहले सेमीफाइनल में FC कॉलेज और पंजाब कॉलेज की टीमें मते मुकाबले, दूसरे सेमीफाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज और सुपीरियर कॉलेज की टीमें पंजाब आजमा होंगी।